नौरीन साहिबा ने कराची से पूछा है, एक आदमी है जो उम्रे के दौरान उसकी मौत होती है, मौत के वक्त कलमा पढ़ने की सआदत भी मिलती है, नमाज जनाजा मस्जिद नबी में अदा की जाती है और तदफीन भी जन्नतुल बकी में होती है, तो क्या ऐसे आदमी की मौत के बारे में आप क्या कहेंगे जबकि बज़ाहिर उसका कोई ख़ास अमल भी नज़र नहीं आता, ना नमाज की पाबंदी, ना रोज़ा, ना तहज्जुद, फिर भी इतनी प्यारी मौत। मेरे जहन में बहुत सारे सवालात हैं पर मैं पूछने से कासिर हूँ, जानना चाहती हूँ कि वो कौन से अमाल हैं जिसकी वजह से उसकी मौत के वक्त उसको मौत के वक्त और मौत के बाद इतनी बड़ी सआदत मिल जाती है। नीज़ मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि ऐसे शख्स से कब्र में सवाल जवाब होंगे जो नमाज की पाबंदी नहीं करता था मगर जन्नतुल बकी में उसकी तदफीन होती है। सबसे पहले तो ये समझ लें किसका क्या अमल अल्लाह के यहाँ मकबूल है, वो तो मुझे नहीं पता चल सकता ना आपको पता चल सकता है, तो ये तो इंसान का अपना और खुदा की ज़ात का मामला है। बेशुमार ऐसे लोग हैं, बेशुमार ऐसे लोग हैं ज़ाहरी तौर पर हमें नज़र आते हैं कि वो बिल्कुल आम चलते फिरते सीधे सादे लोग हैं लेकिन खुदा के यहाँ उनका बहुत बड़ा दर्जा और मकाम है। मुझे शायद याद पड़ता है मैंने कहीं पढ़ा था गालिबन सैयद अताउल्लाह शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह या किसी और बुज़ुर्ग के बारे में, अब मुझे पूरा याद नहीं आ रहा, कि वो अपने इलाके का जो मिस्त्री था, अपने इलाके का वो जो ब्लॉक बनाने वाला, दीवारें बनाने वाला, प्लास्टर करने वाला, वो बुज़ुर्ग हमेशा अपने टाउन और मोहल्ले में उस मिस्त्री को, जिसका नाम भी मुझे याद है अब्दुस सत्तार मिस्त्री के बारे में, वो बुज़ुर्ग जब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखते थे तो उस इलाके के मिस्त्री अब्दुस सत्तार को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मौजूद हालत में देखते थे। कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं, कभी उनके साथ बैठे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठा। अब वो था क्या पूरे मोहल्ले के अंदर एक मिस्त्री, तो आम तौर पर मजदूर और मिस्त्री के बारे में हम क्या समझते हैं कि एक आम दुनिया के लोग हैं। तो भाई ये तो हर बंदे का अपना और खुदा की ज़ात का मामला होता है और बाज़ औक़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको बचाए। एक हदीस है जो हम ख़ास तौर पर जो अहले इल्म दानिश हैं और तलबा और उलमा उनके लिए बड़ी ख़तरनाक वईद पर मुश्तमिल वो हदीस है और वो बहुत ही डराने वाली हदीस है कि दुनिया में बाज़ ऐसे लोग जो दुनिया में दीन की वजह से मशहूर थे, रिपीट, दुनिया में बाज़ ऐसे लोग जो दुनिया में दीन की वजह से मशहूर थे क़यामत वाले दिन फिरौन और हामान और कारून के साथ जहन्नम के अंदर होंगे। यानी दुनिया में ये तो मुफ्ती आजम है, ये तो शेखुल हदीस है, ये तो फला आलिम है, ये तो www.darsequran.com